अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको अपने YouTube चैनल के ऊपर, एवरलिंक्स ऑफिशियल के ऊपर। आज आपके सामने ये ब्रांड न्यू घर लेके आए हैं। ये आप घर देख लें पूरा। ये घर का फ्रंट एलिवेशन हो गया। घर का एरिया जी 2x30 स्क्वायर फुट का ये घर है, 2.5x30 स्क्वायर फुट का ये यूनिट है जी। ये आप इसका फ्रंट एलिवेशन चेक कर सकते हैं। वंस अगेन मैं आपको इसका ये दिखा दूँ, डबल स्टोरी यूनिट है। गलियाँ इसकी खुली हैं। ये आप इसका स्ट्रीट ओवरव्यू देख सकते हैं। ये इसका स्ट्रीट ओवरव्यू है। मज़ीद आपको घर के अंदर लेके चलते हैं और घर का फ्लोर प्लान भी आपको समझाते हैं। घर के अंदर दाखिल होने से पहले मैं आपको दिखा दूँ कि घर के अंदर ये गैस का मीटर और ये इसका इलेक्ट्रिसिटी का मीटर इंस्टॉल्ड है यहाँ पर। और ये आप घर के अंदर दाखिल होने से पहले देख सकते हैं, इसका ये रैंप है और स्टेयर्स यहाँ से गिवन है, जहाँ से आप ईज़िली अंदर दाखिल हो सकते हैं। दाखिल होते ही आपके पास फ्लोरिंग आ जाती है, मार्बल की फ्लोरिंग है। और आप ये खूबसूरत टाइल्स देख सकते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत एक लुक प्रोनाउंस कह रही हैं। घर का ये दोनों सीलिंग्स का जो है लेंटर है ये, मगर ऑनर ने ये क्या नाम है, सीलिंग डिज़ाइन के लिए ऐसे ये लगवाई हुई हैं। आप मज़ीद देख सकते हैं, ये पाउंडर रूम इसके साथ ही गिवन है और ये साथ ही बेसन। और ये स्टेयर्स जो कनेक्ट कर रही हैं आपको फर्स्ट फ्लोर की तरफ। मज़ीद घर के अंदर दाखिल होते हैं तो आपको लेके चलते हैं, तो मैं आपको इसका यहाँ से 360 एक व्यू दिखाऊं। 360 से पहले ये आप देख सकते हैं जी, यहाँ पे इसका पाउंडर रूम आ गया। ये इसका पाउंडर रूम और ये जी इसका बेसन और ये टाइल्स आप देख सकते हैं। हम घर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। ये इसका सीलिंग आ गया और मज़ीद आप ये देख सकते हैं जी, इसका डोर डिज़ाइन। और मज़ीद हम आगे बढ़ें घर के अंदर, तो ये डबल डोर के साथ यहाँ पे गिवन है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, इसका डोर डिज़ाइन भी आप चेक कर सकते हैं। डबल डोर इसे लगा हुआ है यहाँ पे और वुड का आप काम देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर। आप इसका वुड वर्क देख सकते हैं, डोर का डिज़ाइन आपने देख लिया इसका। आप आगे बढ़ते हैं, घर के अंदर दाखिल होते हमारे पास यहाँ पे 2 बेडरूम की अकोमोडेशन है, प्लस यहाँ पे हमारे पास ओपन किचन का एरिया आ जाता है। और मैं आपको इसकी सीलिंग भी दिखाता चलूँ। पूरे घर के अंदर यही सीलिंग पैटर्न इसी तरीके से फ्लो कर रहा है। और घर के अंदर दाखिल होते हैं तो ये घर का आप ओपन एरिया आ गया, जिसे आप टीवी लाउंज सिटिंग एरिया कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर आपको दिखा दूँ, हम डोर से इंटर हुए हैं, ये आपके पास ओपन एरिया आ गया। और आप कैबिनेट्स देख सकते हैं, इसके यूवी शीट के साथ इसके कैबिनेट्स को बनाया गया है। और नीचे आप देख सकते हैं टाइल वर्क और काउंटर टॉप के ऊपर मार्बल का इस्तेमाल हुआ है। मज़ीद आपको लेके चलते हैं इसके बेडरूम फर्स्ट की तरफ। बेडरूम फर्स्ट की तरफ जाने से पहले आपको बेडरूम फर्स्ट का सीलिंग डिज़ाइन मैं दिखा दूँ। और अंदर दाखिल होते हैं, ये सारा इसका बेडरूम का एरिया, विंडोज़ हैं वेंटिलेशन के लिए। मज़ीद आपको मैं इस रूम का भी डोर डिज़ाइन दिखा दूँ, डोर डिज़ाइन आप देख लें। और ये जी गैलरी एरिया, छोटा सा एक पैसेज दिया हुआ है। अब इस पैसेज से हम गुजर के जनाब ये आपको इसका सेकंड बेडरूम की तरफ दाखिल होते हैं, तो ये आप इसका डोर डिज़ाइन देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। और फ्लोरिंग आप देख सकते हैं मार्बल की है। हम बेडरूम के अंदर दाखिल होते हैं तो ये पीछे एक एरिया दिया हुआ है, यहाँ पर वाटर पम्प जो पानी को ऑफलोड करने के लिए, और ये वेंटिलेशन के लिए एरिया गिवन है यहाँ पे। और ये विंडो है वेंटिलेशन के लिए। रूम के अंदर हम इंटर होते हैं तो यहाँ पे अटैच वॉशरूम गिवन है मास्टर बेडरूम के साथ, ये आप देख सकते हैं। इसका सीलिंग डिज़ाइन भी आप देख लें। और मज़ीद मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे कमोड और साथ फ्लश को भी इंस्टॉल किया गया है। फ्लोरिंग आप देख सकते हैं। आपको रूम का मैं दिखा दूँ, पैनलिंग हुई हुई है रूम के अंदर, जो कि घर के अंदर बड़ी खूबसूरत लुक एक प्रोनाउंस कर रही है। इसी के साथ इस घर का फर्स्ट फ्लोर का विज़िट कंप्लीट होता है, ग्राउंड फ्लोर का विज़िट कंप्लीट होता है। आपको लेके चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। इसके आपको मैं एक और चीज़ दिखा दूँ, यहाँ से किचन वाली साइड से ये वेंटिलेशन के लिए विंडो प्रोवाइड की गई है। आप इसे अपने मुताबिक यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ओपन करना चाहिए इसे ओपन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं जी इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़ने से पहले आप इसके ये स्टेयर्स चेक कर लें।
मार्बल का इस्तेमाल हुआ है और ये स्टेनलेस स्टील्स की ग्रिल्स हैं। साथ ही मज़ीद आपको ऊपर लेके चलते हैं, ये आप इसका सीलिंग डिज़ाइन देख सकते हैं, सेम पैटर्न। ये आप इसका सीलिंग डिज़ाइन देख रहे हैं और फोर प्लान सेम पैटर्न के ऊपर यहाँ पे गिवन है। आपके पास यहाँ पे ओपन किचन आ गया, यूवी शीट्स के साथ ये काउंटर्स डिज़ाइन किए गए हैं, कबर्ड्स, और सेंटर में आप देख रहे हैं टाइल वर्क, और यहाँ पे मार्बल के काउंटर टॉप पे मार्बल का इस्तेमाल। अगेन यहाँ पे स्टेयर्स के नीचे स्पेस दी हुई है, इसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं डेकोरेशन पर्पज़ के हवाले से। ये स्टेयर्स जा रही हैं आपकी माउंटी को कनेक्ट कर रही हैं, और मज़ीद मैं आपको दिखा दूँ ऊपर का एरिया। ये एरिया आप देख रहे हैं, फ्लोरिंग देख सकते हैं आप इसकी, और ये इसका पूरा घर का ओपन एरिया। सिटिंग कर लें यहाँ पे, टीवी लाउंज बना लें अकॉर्डिंग टू द विल एंड विश। मज़ीद आपको लेके चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम की तरफ। ये आप देख सकते हैं सीलिंग डिज़ाइन, विंडो है वेंटिलेशन के लिए। बाहर आप देख सकते हैं टेरेस भी अवेलेबिलिटी है, आप विंडो ओपन कर सकते हैं, टेरेस को इंजॉय कर सकते हैं। ये जी फर्स्ट बेडरूम इसका और डोर डिज़ाइन इसका। ब्रांड न्यू हाउस है, फॉर सेल पर्पस है ये। और ये आप इसका लास्ट बेडरूम और इसका डोर डिज़ाइन। फ्लोरिंग आप देख सकते हैं मार्बल की, अगेन वेंटिलेशन के लिए विंडोज़। और आप यहाँ पे मास्टर बेडरूम के साथ आपको वॉशरूम की अवेलेबिलिटी हो जाएगी। इसी के साथ इस घर का विज़िट कंप्लीट होता है। अब आपको इसका बताते हैं इसकी डिमांड के हवाले से। इस घर की जी आस्किंग डिमांड 70 लाख रुपए इस घर की आस्किंग डिमांड है। जो भी बंदा इसे बाय करना चाहता है वो हमारे सेल नंबर्स पर रब्ता कर सकता है, और आप अपनी भी प्रॉपर्टी को हमारे से बाय और सेल करवाना चाहते हैं तो हमारे सेल नंबर्स पर कॉर्डिनेट कर सकते हैं। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हामी और नासिर। अल्लाह हाफ।